हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो मैं अपने कमरे में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल है जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ के बारे में बताने के लिए आपको। और अभी हम हैं झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य का एक स्टेट है, झारखंड एक स्टेट है जो कि बिहार से कटकर बना हुआ है। और यहाँ पे एक शहर है जिसका कि नाम है धनबाद। धनबाद शहर जो कि कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे कोयला सबसे अधिक मात्रा में उत्खनन होता है। और कोयला उत्खनन की जो कंपनी है उसका वह है BCCL, ये नवरत्न कंपनी है, मिनी नवरत्न कंपनी है, और भारत सरकार का ये उपक्रम है। और इसके तहत ढेर सारे छोटी छोटी कंपनियाँ उत्खनन का कार्य करती हैं, और इसको कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है धनबाद शहर को। और चारों तरफ यहाँ पे काला सोना पाया जाता है। तो अभी हमारी ड्यूटी मतलब ट्रांसफर होकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। और एक दो जगहों का मैंने वीडियो भी डाला है, जैसे कि बिरसा मुंडा पार्क है। बिरसा मुंडा एक बहुत ही जननायक थे झारखंड राज्य के, तो वहाँ पे घूमने गए थे हम। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ की, जैसे कि शक्ति मंदिर और भूईपुर मंदिर, और भी कई चीज़ें हैं, छोटे मोटे पार्क हैं, मॉल है, और विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो आने वाले समय में हम वहाँ जाएंगे, और कहाँ कहाँ घूमने लायक जगह है तो वो चीज़ आप यहाँ देखिए। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए, और वन बाय वन हम इन चीज़ों को विजिट भी करेंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। बिरसा मुंडा पार्क है, तोपचांची झील है, पंचेत डैम है, और एक दो और डैम है जो नज़दीक में ही है, और 14-15 किलोमीटर के रेंज में। तो सब जगह विजिट करेंगे यहाँ पे। दो जगह तो अभी विजिट कर चुके हैं हम, एक है बिरसा मुंडा पार्क, दूसरा है एक और पार्क है यहाँ पे जो अच्छा सा है, नाम याद नहीं आ रहा है, और उसका मैंने एक वीडियो भी डाला है उसमें बंद करके। बीवर बंद है, बीवर बंद ऐसे कुछ करके है, लेक है, और छोटा सा मतलब पार्क भी बनाया गया है उसके बारे में, उसका वीडियो मैंने बनाया है यहाँ पे, और आप लोगों के बीच शेयर भी किया है मैंने। तो और दूसरा है हमारा बिरसा मुंडा पार्क, यहाँ तक तो जा चुके हैं। अभी 3-4 चीज़ें और भी घूमने लायक है, जैसे कि भूईपुर मंदिर, हीरापुर का दुर्गा मंदिर, पंचेत डैम, और 2-3 और डैम है यहाँ पे अच्छे अच्छे, और एक गांव भी है जो कि अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ से करीब 14-15-20 किलोमीटर के रेंज में ही है। तो सब जगह हम लोग विजिट करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा क्या है, समय नहीं मिलता है, समय मिले तो हम हर जगह का वीडियो बना के आप लोगों के लिए जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को हम आपके बीच जरूर दिखाएंगे। और थोड़ा सा क्या है, समय नहीं देने से वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती है, तो लोग भी हमसे धीरे धीरे रुकने लगते हैं, और चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हमसे छूटने लगते हैं। लेकिन क्या किया जाए, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, और जब हम खाली रहते हैं तो जरूर वीडियो बनाते हैं, और कभी हमें समय नहीं मिल पाता है तो हम नहीं जा पाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक दिन छुट्टी मिलती है उसमें भी कई काम होते हैं, आपको पता है कि घर के काम, बाहर के काम, और भी चीज़ें हैं जो कि जरूरी चीज़ें होती हैं वो छुट्टी के दिन की जाती हैं। तो वर्किंग लाइफ में समय मिलना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिले, और उसके बहाने हमारा एक स्मृति जो है, मेमोरी, यादें, एक संजोने का एक जगह है YouTube जहाँ पे हम उस चीज़ को संजो के रखते हैं। तो दोस्तों कुछ झलकियाँ दिखाते हैं वहाँ की, जो मंदिर है या जो घूमने की जगह है, छोटा छोटा फोटोग्राफ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा। और बस यही इतना कहूँगा आप लोगों से कि हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें नए हैं तो,
वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगना है। हाँ, बस दो चार बार बटन दबा करके शेयर कर देना है। तो चलिए झलकियों के दर्शन कीजिए और आने वाले समय में उसके वीडियो भी आप लोगों के बीच जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय प्रभुनाथ।